हेलो दोस्तों, मैं शाहिद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो TMS में। इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 पेपर वन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 to 50 सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 to 60 को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, इन अ 5-डिजिट नंबर द डिजिट एट 10th प्लेस इज 8। 5-डिजिट का कोई नंबर है जिसमें 10th प्लेस पे 8 है। ऑप्शन 1 में 10th प्लेस पे 8 है और ऑप्शन 4 में 10th प्लेस पे 8 है। बाकी 2 और 3 में 10th प्लेस पे 8 नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस। 1th प्लेस पे जो डिजिट है वो 10th प्लेस का 1/4 पार्ट है। तो 1/4 पार्ट कितना होता है 8 का? 2, यानी 1th प्लेस पे 2 है। तो 1th प्लेस पे 2 ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 2 और 3 पहले ही गलत हो चुका है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0। 1000 प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है। तो 1000 प्लेस पे डिजिट सिर्फ ऑप्शन 4 में है 0। तो ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एट 3rd प्लेस व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। दिए गए नंबर्स को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो कौन सा नंबर 3rd प्लेस पे होगा। सबसे पहले हम लोग दिए गए नंबर्स को लाइक डिसिमल में चेंज करेंगे। तो लाइक डिसिमल में चेंज करते हैं। यहाँ डिसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो सब में 3 डिजिट करेंगे। 0 0 0। अब ये लाइक डिसिमल में चेंज हो चुका है। अब हम लोग इसको असेंडिंग में सजाते हैं। अगर हम इसको असेंडिंग में सजाते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे आएगा 0.770, सेकेंड प्लेस पे आएगा 7.007, थर्ड प्लेस पे आएगा 7.070, फोर्थ प्लेस पे आएगा 7.700 और फिफ्थ पे आएगा 7.707। हम लोग को बताना था कि थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। तो थर्ड प्लेस पे होगा 7.070। तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3rd, 7.07। क्वेश्चन नंबर 58, द पार्किंग रेट्स ऑफ अ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। रेलवे स्टेशन पार्किंग का पार्किंग रेट इस तरह से दर्शाया गया है। अप टू 2 आवर्स ₹50, 2 घंटे के लिए ₹50, मोर देन 2 आवर्स एंड अप टू 5 आवर्स ₹75, 2 घंटे से ज़्यादा और 5 घंटे तक के लिए ₹75, आफ्टर 5 आवर्स ₹10 पर एक्स्ट्रा आवर अप टू 8 आवर्स और 5 घंटे के बाद ₹10 एक्स्ट्रा लगेगा हर घंटे के लिए 8 घंटे तक। मोर देन 8 आवर्स एंड अप टू 12 आवर्स, 8 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे तक के लिए ₹150। मोर देन 12 आवर्स एंड अप टू 24 आवर्स ₹250, 12 घंटे से ज़्यादा और 24 घंटे तक के लिए ₹250 पार्किंग का चार्ज है। अब क्वेश्चन है, राजीव पार्क से कार एट 7 AM। राजीव 7 बजे सुबह में कार पार्किंग में लगाता है एंड कम्स बैक टू पिक इट अप एट 4:30 PM और पार्किंग से कार को वापस ले जाता है 4:30 बजे शाम को ऑन द सेम डे उसी दिन। हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे।
राजीव को कितना पैसा देना होगा कार पार्किंग का चार्ज। ऑप्शन है ₹135, ₹150, ₹130, ₹100। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले टाइम को 24 आवर्स क्लॉक में चेंज करते हैं। 4:30 PM इक्वल्स 16:30 आवर्स और 7 AM इक्वल्स 7 आवर्स। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या बचेगा 9:30 आवर्स। यानी राजीव टोटल 9 घंटे 30 मिनट तक के लिए गाड़ी को पार्किंग में पार्क करता है, तो उसको कितना पैसा देना होगा। तो 8 घंटा से ज़्यादा और 12 घंटे तक के लिए ₹150 पार्किंग चार्ज है, तो राजीव को ₹150 देना होगा पार्किंग चार्ज। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 57, आई एम ए 2-डिजिट नंबर, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन 2-डिजिट नंबर है। नेक्स्ट है द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर मतलब लगातार आने वाला प्राइम नंबर, तो 5-7 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 2-3 ये भी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 3-5 ये भी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 1 और 3 वन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन पहले ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4। डिजिट्स का जो सम है यानी जोड़, दोनों डिजिट का जोड़ 3 और 4 का मल्टीपल होगा, तो 5-7 होता है, 5+7 होता है 12, 12 3 और 4 का मल्टीपल है, 2 और 3 होता है 5, ये 3 और 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और 3 और 5 होता है 8, 8 3 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल है, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 56, द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स इन अ सुपर मार्केट इज गिवन एज फॉलोज। सुपर मार्केट में सब्जियों का दाम इस प्रकार है, टोमेटो 1 KG ₹40, पोटैटो आलू 2 KG ₹25, कैरेट गाजर 250 ग्राम ₹20, बोटल गार्ड लौकी 1 KG ₹10, चिलीज 100 ग्राम ₹10, लेमन 4 पीस ₹10। तो सुपरमार्केट में सब्जियों का दाम इस प्रकार है। अब क्वेश्चन है, संजय बाइज 1/2 KG टोमेटो, संजय 1/2 KG टमाटर खरीदता है, 1 KG पोटैटो यानी आलू खरीदता है, 1/2 KG कैरेट गाजर खरीदता है, 250 ग्राम चिल्ली, 250 ग्राम मिर्च खरीदता है एंड 6 लेमन्स और 6 पीस लेमन खरीदता है। ही गेव अ नोट ऑफ ₹200 टू द बिल क्लर्क एट द काउंटर। काउंटर पे बिल क्लर्क को 200 का नोट देता है संजय। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक, उसको कितना पैसा वापस मिलेगा। तो हम लोग पहले सब्जियों का दाम जोड़ लेते हैं, टोटल कितना होगा, 1/2 KG टोमेटो का कितना होगा, 1 KG का 40, तो 1/2 KG का ₹20। उसके बाद 1 KG पोटैटो, 2 KG पोटैटो का है ₹25, तो 1 KG का होगा ₹12.50। 1/2 KG कैरेट, 1/2 KG कैरेट गाजर, तो 250 ग्राम का है ₹20, तो 1/2 KG का होगा, 1/2 KG मतलब 500 ग्राम, 500 ग्राम का हो जाएगा ₹40। उसके बाद है 250 ग्राम चिल्लीज, तो 100 ग्राम चिल्लीज का दाम है ₹10, तो 250 ग्राम चिल्लीज का हो जाएगा ₹25। ठीक है, फिर है 6 लेमन्स, तो 4 लेमन्स का दाम है ₹10, तो 6 लेमन्स का हो जाएगा ₹15। अब इन सब को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 5 5 10, 2 12 का 2
यहाँ से लेख, दो एक तीन, चार सात, तीन दस और एक ग्यारह, 112 रुपया 50 पैसा। तो टोटल सब्जी 112 रुपया 50 पैसा का होगा। संजय बिल कलर को 200 का नोट देता है तो उसको कितना पैसा वापस मिलेगा? तो हम लोग 200 में से घटाएंगे 112 रुपया 50 पैसा, इसको घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87 रुपया 50 पैसा। तो इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। तो क्वेश्चन नंबर 60 से 56 तक का क्वेश्चन बोर्ड पे समझाने वाला था, इसीलिए मैंने बोर्ड पे इसको समझाया है। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 to 60 इसको बोर्ड पे बताने की ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 55 से 51 तक जो क्वेश्चन है उसको बोर्ड पे बताने की ज़रूरत नहीं है इसीलिए मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए बताया है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? ऑप्शन वन, एबिलिटी टू प्रोवाइड डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। ऑप्शन टू, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन ऑफ अ मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंसी, परिकलन में निपुणता की क्षमता। और ऑप्शन फोर, एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फार्मूलाई इन डिफरेंट सिचुएशंस, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। इसके ऑप्शंस हैं, ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ऑप्शन टू, द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डिफिनेशंस ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जांपल्स, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। ऑप्शन थ्री, चिल्ड्रेन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंस्टिट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक्स्थान की अंतर्दशी समझ को विकसित कर सकें। और ऑप्शन फोर है, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, चिल्ड्रेन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंस्टिट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ नुमरेशन, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? द पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। तो ये सही बात है। इट इज़ एडिटिव इन नेचर, ये भी सही है। ऑप्शन थ्री, इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम, इसमें आधार दो की प्रणाली का पालन किया जाता है। और ऑप्शन फोर, इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, यह
गुणात्मक प्रकृति का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री, इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम। इसमें आधार दो की प्रणाली का पालन किया जाता है। तो हिंदू अरबी सिस्टम ऑफ नोमरेशन में बेस टू सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है, बाइनरी नंबर्स बेस टू सिस्टम को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। आई हैव सिक्स पेंसिल्स, मनीष हैज़ टू मोर देन मी, हाउ मेनी पेंसिल्स डज मनीष हैव। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं। ऑप्शंस हैं कंपैरिजन एडिशन, तुलनात्मक जमा, कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन, तुलनात्मक घटा, टेक अवे एडिशन, व्यवकलित जमा, टेक अवे सब्ट्रैक्शन, व्यवकलित घटा। इस क्वेश्चन में कंपैरिजन किया जा रहा है, मनीष के पास कितना पेंसिल है ये बताने के लिए मेरे पास जितना पेंसिल है उसमें 2 ऐड करना होगा, इसीलिए इसका सही आंसर होगा कंपैरिजन एडिशन, तुलनात्मक जमा। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इननेट। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ऑप्शन 2, टीचर्स बिलीफ अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। ऑप्शन 3, स्टूडेंट्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। ऑप्शन 4, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। ऑप्शन 2, 3 और 4 लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में सही है, लेकिन ऑप्शन 1 लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में गलत है, सही नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इननेट।